वेलकम फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट टेक्निकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बताया आपको कि हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज चलती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं 276 क्वेश्चंस पे। 276 क्वेश्चंस है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ए न्यूटन्स, बी राइट्स ब्रदर, सी गैलीलियो और डी आर्किमिडीज ने। तो इसकी खोज आँख बंद के लगा सकते हैं आर्किमिडीज ने की थी, या ये कह लें कि द्रव पर जो वस्तुएं तैरती हैं उसकी खोज। हिंदी वालों के लिए ये ईजी रहेगा। 277 क्वेश्चन से निम्नलिखित में से असत्य को चुने। ए हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, बी केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है, सी बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, या डी ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापने की इकाई है। तो बेल जो होती है वातावरणीय दबाव को मापने की इकाई नहीं होती है। 278 क्वेश्चन चलते हैं, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए है द्रव का आपेक्षिक घनत्व, सी दूध की शुद्धता, सॉरी बी दूध की शुद्धता, और सी है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, और डी है समुद्र की गहराई। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर से क्या है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 279 क्वेश्चन है, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? ए नीचे की ओर गिरता है, बी ऊपर की ओर उठता है, सी वैसा ही स्तर बना रहता है, या डी इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 280 क्वेश्चन चलते हैं, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, बी यह आकार में बढ़ जाता है, सी यह आकार में कम हो जाता है, डी इसका आकार वही रहता है। तो क्या होता है, ये आकार में बढ़ जाता है। बी ऑप्शन का सही होगा दोस्तों। 281 क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। समान द्रव्यमान के दो ठोस जिनमें एक हवा में तथा दूसरा पानी में, इस फिगर में जो दिखाया गया है, तो इनका प्रभाव क्या होगा? ए ऑप्शन चित्र ए का भार चित्र दो से अधिक दर्शाया गया है, बी ऑप्शन है चित्र दो का भार चित्र एक से अधिक दर्शाया गया है, या सी अपवर्तित रहेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है कि इसमें ए का जो भार है वो बी से अधिक दर्शाया गया है वो, और नीचे देखो ये नीचे से डुबाया गया है और इसको ऐसे दिखाया गया है कि ये कम है। 282 क्वेश्चन चलते हैं, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया में सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, या डी उपयुक्त तीनों की वजह से। तो क्या होता है, चालन संवहन और विकिरण इन तीनों की वजह से वह सुरक्षित गर्म बना रहता है। उपयुक्त डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 283 क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दी गई वायु या क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प के मात्रा को जाना जाता है। ए विशिष्ट आर्द्रता, बी सापेक्षीय आर्द्रता, सी मिश्रित अनुपात, या डी निरपेक्ष आर्द्रता। तो क्या है, इसको निरपेक्ष आर्द्रता के मात्रा को जाना जाता है। 284 क्वेश्चन है, एक पात्र जिसमें पानी है एक बीम तुला पर साम्यता में है, जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना ए झुकता है, बी ऊपर उठता है, सी स्थिर रहता है, डी अपूर्वानुमानित रहता है। तो दोस्तों क्या होगा कि ये स्थिर रहता है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। 285 क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ए ऑप्शन दिया है इसका, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, सी ऑप्शन है दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या डी ऑप्शन से दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जैसे जैसे हम उसको प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि उसका दाब अधिक होगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है ए न्यूटन पर मीटर, बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डी ऑप्शन है न्यूटन अपॉन मीटर की पावर 4। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। 287 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों,
वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी वातावरण घर्षण के कारण, या डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण ही वो गोलाकार होती है। इसका ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 288 क्वेश्चन चलते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है ए स्याही की श्यानता, बी केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, या सी ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विस्तरण, या डी साइफन की क्रिया। तो क्या होता है, केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना जो होती है ब्लॉटिंग पेपर में स्याही के सोखने की घटना होती है। 289 क्वेश्चन है। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? अब यहाँ पर बहुत गौर से सुनिएगा क्वेश्चन कि जल क्या है, जमने जा रहा है। तो ए ऑप्शन दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी ऑप्शन दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वहाँ पर उसका घनत्व भी अधिकतम होगा। 290 क्वेश्चंस। लोहा पारा में ए डूबता है, बी तैरता है, सी उपलाता है मतलब ऊपर आता ऊपर से नीचे करता है, या डी सभी। तो क्या होगा कि वह लोहा जो होगा वो पारे में तैरता है, बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है दोस्तों। 291 क्वेश्चन चलते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ए कथनांक बिंदु द्वारा, बी गलनांक बिंदु द्वारा, सी हिमांक बिंदु द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गलनांक बिंदु होता है उसके द्वारा ठोस की शुद्धता को निर्धारण किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, कभी ठोस की शुद्धता पूछते हैं, या कहते हैं गलनांक बिंदु द्वारा किसकी शुद्धता व्यक्त की जा सकती है या कैसे निकाली जा सकती है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। 292 क्वेश्चन। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो नदी के मुकाबले वो समुद्र में क्यों आसानी से तैरता है? ये ऑप्शन है समुद्र पानी में कम संदूषण होता है, बी ऑप्शन है कि समुद्री तरंगे जो तैराक को तैरने में सहायता करती हैं, जो उसकी वेव होती हैं, या सी ऑप्शन है कि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, या डी ऑप्शन है कि समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। दोस्तों क्या होता है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए उसको तैराक को तैरने में आसानी होती है। 293 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ए हाइड्रोमीटर से, बी बैरोमीटर से, सी हाइग्रोमीटर से, या डी तुंग ताप मापी से। तो हाइड्रोमीटर से मैंने बता दिया था आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं, और तुंग ताप मापी या अल्टीमीटर से क्या प्लेन जो जाते हैं, वायुयान जाते हैं, उनकी ऊंचाई नापते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बैरोमीटर से। 294 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टप में नहाते समय अचानक यूरेका या यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आते हैं? तो ये इस क्वेश्चंस को भी आपने पीछे देखा होगा, इस तरीके से आपको वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मोटिवेट करके आपसे पूछ लेता है, पूछना क्या चाहता है आप भी जान समझ गए होंगे दोस्तों। ए है न्यूटन, बी है आइंस्टीन, सी है आर्किमिडीज, और डी है ग्लासगो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने वो पानी के टप में नहा रहे थे और वो थोड़ा सा फ्लोटिंग सी करने लगे, तो उनको लगा यूरेका यूरेका मतलब चमत्कार हो गया, आर्किमिडीज। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 295 क्वेश्चन। सीमांत घर्षण निर्भर करता है ए तल की प्रकृति पर, बी तल की प्रकृति और अविलंब प्रतिक्रिया पर, सी अविलंब प्रतिक्रिया पर, और डी है तल के क्षेत्रफल पर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, तल की प्रकृति और अविलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। 296 क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है आणविक संगठन में के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, और डी प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, संवहन कहलाता है। 297 क्वेश्चन चलते हैं। गैस को समतापमापी रूप से फैलने देते हैं पर ए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, बी इस पर कार्य किया जाता है, सी कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है, या डी कुछ अवधि के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए
बिल्कुल सही दोस्तों कि इसके द्वारा ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 298। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ए ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, या सी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या डी ताप के अच्छे संग्राहक होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। 299 क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती क्योंकि ए वे भद्र दिखते हैं, बी उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, या डी यह एक परंपरा है। नहीं, इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, सफ़ेद कपड़े जो होते हैं, सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, जबकि काले कपड़े जो होते हैं ताप का ज़्यादा अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 300 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। शरीर के पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, शरीर में जो पसीना है वो सबसे अधिक कब निकलता है, ए जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो, बी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, या सी जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, या डी ऑप्शन है जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। यहाँ सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों, जब तापक्रम अधिक होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी हो, मतलब ह्यूमिडिटी भी हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, तब हमें पसीना सबसे ज़्यादा निकलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए, हम उस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।